गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग द एक्सरसाइज 6.3। हर क्वेश्चन इज 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150, x + 4y लेस देन इक्वल टू 80, x लेस देन इक्वल टू 15, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने इनक्वालिटी छड़ के इस तरीके लिखे, x 0 पुट किया तो यह फैक्टर 0, 2y इक्वल टू 150, y की वैल्यू 75 आ गई, तो पॉइंट आ गया 0.75। वाई की वैल्यू 0 पुट की 3x इजल टू 150, एक्स की वैल्यू आ गई, कुछ होर भर लो क्योंकि पॉइंटा के आऊगी वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आप भर लें 6, एक्स की वैल्यू ही 6 भर लें, एक्स इजल टू 6 दैन टू, एक्स इजल टू 2 दैन 3 × 2 + 2y इजल टू 150, 6 + 2y इज इक्वल टू 150, 2y इज इक्वल टू 150 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 144, y इज इक्वल टू 144/2 72, देन पॉइंट इज 0 से अपना 272। अनदर x + 4y इज इक्वल टू 80, पुट x इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर खत्म, 0 पुट पर 4y इज इक्वल टू 80, y की वैल्यू 80/4 = 20, पॉइंट आ गया 0.20, पुट y इज इक्वल टू 0 तो 4 × 0 = 0, तो कला x आ गया, x आ गया 80, तो पॉइंट आ गया 80/0। नेक्स्ट है x लैस दैन इक्वल टू 15, तो x 15 है, y इज इक्वल टू 0, तो ये अपन सॉल्व करके आप ग्राफ बनावे हूँ इन्हों का। इनू आप 25 25 के बनना, 25 50 75 100, जीरो 75, एक्स 0 वाई 75, तो 50 75, अपने 70 अपना 25 25 दे विच डिवीजन दे विच बंट लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 25, 272, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 72 इत्थे जाऊगा, सीधे जॉइन कर दो तो उपर इक्वेशन लिख दो, नेक्स्ट है 0.20, एक्स 0 वाई 20 इत्थे होगा, तो 80/0, एक्स 80 वाई 0 इत्थे होगा, ज्वाइन कर दो ऊपर लिख दो इक्वेशन। एक्स इजल टू 15 मतलब कि एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब है कि फस्ट क्वाड्रेंट दे विच, ये तो उधर ही होजूगी जिधर बाकी, मतलब कि उधर ही फॉलो करूगी जिधर कॉमन एरिया होया, तो ये ओरिजन तो चैक कर लो, एट ओरिजन जीरो जीरो
जीरो जीरो पर है पहली क्वेश्चन के जीरो प्लस जीरो लैस दैन इक्वल टू 150 ट्रू है तो ए वाली है तो इधर ओरिजिन वाल एक्स प्लस फोर वाई लैस दैन इक्वल टू जीरो प्लस जीरो जीरो ये भी ट्रू है तो आ वाली है नीचे एक्स लैस दैन इक्वल टू 15 ये भी अपना ट्रू है तो ओरिजिन वाल होर तो कॉमन रीजन आ गया अपना क्योंकि आ भी नीचे आ रहा है आ भी नीचे तो आ इधर तो कॉमन रीजन आ है चार लाइनों के विचकार सारे क्वेश्चन इधर सिमिलर ने सारे तुसी अपने आप कर सकते हो ठीक है तो और अपने को एक टाइप जिद है नहीं वो मॉडर्न तो करा रहे हैं मैं देखो इस तरह के आ जाते हैं क्वेश्चन ये अपने यदा इंटरवल एक्स का इंटरवल ही लभना है तो एक्स की वैल्यू लभनी है मतलब तो दो थले है दोनों पास टू तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय टू जे ये थले थ्री होंगे जो थले कुछ होर होंगे तो एलसीएम लेना सी तो नीचे वन वन है ना तो वन टू वन का एलसीएम टू होना तो टू नू मल्टीप्लाई करता तो 14 आ गया 3x प्लस 11 जो टू मल्टीप्लाई किया टू ना टू कौंसल ये आ गया अपना 22 हूँ 11 है पकली एक्स ही रखनी है इतने 11 दोनों पास माइनस कर मतलब कि एडिंग या सबट्रैक्टिंग माइनस एडिंग माइनस माइनस 11 थ्री ये कैंसल 11 थ्री नाल है डिवाइडिंग बाय थ्री क्योंकि अपन इस टाइम कला एक्स चाहिए हो गया तो इन थ्री नाल डिवाइड किया वन इतने कला एक्स रह गया 11 बाय थ्री तो इन लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू वन लैस दैन का कला साइन है का ओपन इंटरवल इधर लैस दैन इक्वल टू का 11/3 इधर क्लोज इंटरवल तो इस तरीके कर लेने एक होर सम कर लेने आप इस तरीके देखो -3 लैस दैन इक्वल टू और -7x/2 तो पहला विचकारला सॉल्व करो इनू एक डिनोमीनेटर होना चाहिए इस तरह नहीं तो टू एलसीएम ये नीचे वन है तो या तो ऐ कर दो एलसीएम ले लो बाद चाहे एक स्टेप वध कर लें एलसीएम ले लिया टू वन टू टू पॉन वन टू टू इंटू फोर एट थ्रू आउट टू नाल मल्टीप्लाई करते हो क्योंकि एलसीएम टू है टू वन वन का तो -6 सीधी कर रहे मैं हूँ 8-7x क्योंकि टू नाल टू कैंसल हो जूगा 18 36 एट अलग अब एट अपने को नहीं चाहिए तो एडिंग -8 ऑन बोथ साइड -8 प्लस -8 -16 6 -14 -8 ਨਾਲ -8 ਕੈਨਸਲ -7x ਬਚ ਗਿਆ 36 -7 ਸੌਰੀ -8 ਤਾਂ 28 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ
हूँ अपना माइनस सैवन एक्स है तो सैवन नाल डिवाइड कर दो, सैवन नाल डिवाइड किया माइनस टू, इतने सैवन नाल डिवाइड किया माइनस एक्स, इतने सैवन नाल डिवाइड किया तो फोर। हूँ माइनस है, माइनस में आप खत्म करना है मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन, माइनस वन नाल मल्टीप्लाई करता, जो माइनस वन नाल मल्टीप्लाई करता इनक्वालिटी ने चेंज होना है, इनक्वालिटी का साइन चेंज इधर से ना इधर कर दो, इत प्लस हो गया माइनस माइनस, इतने प्लस ही पहली इतने माइनस हो गया, एक्स बिलोंगस टू अपना इस तरह भी लिख सकते हैं, और माइनस फोर तो क्लोज इंटरवल है क्योंकि इक्वल टू है, ये आ गया अपना, ठीक है। तो इसी तरीके नाल तुसी ये एक्सरसाइज ते चैप्टर कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।